सब कुछ है यीशु की। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र दुख भोग, उनके मरण पर मनन चिंतन करेंगे। आज पुण्य शुक्रवार हम प्रभु के उस महान दुख भोग की याद करते हैं जो उन्होंने मेरे और आपके पापों के लिए, मेरी और आपकी निजात के लिए सहन किया। उन्होंने अपना रक्त बहाकर उस क्रूस के ऊपर प्रायश्चित किया। उन्होंने अपने प्रेम का प्रमाण उस क्रूस के ऊपर दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने क्रूस के ऊपर अपने हाथ फैलाकर ये जता दिया कि वो हमसे कितना प्यार करता है, वो इस मानव जाति से कितना प्यार करता है। वास्तव में यदि आप गुड फ्राइडे के रहस्य को समझना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि ये एक क्षमा का दिन था, जब प्रभु यीशु ने उस महान दुख को सहन करते हुए भी अपने शत्रुओं को उन्होंने क्षमा किया। इतना ही नहीं, गुड फ्राइडे कलवरी की यात्रा हमें ईस्टर संडे की ओर लेकर जाती हैं। गुड फ्राइडे, प्यारे भाइयों और बहनों, एक परिवर्तन की शुरुआत थी। यदि गुड फ्राइडे नहीं होता, यदि पुण्य शुक्रवार नहीं आता, तो हम ईस्टर संडे में प्रवेश नहीं कर सकते थे, हम उसके पुनरुत्थान को नहीं देख सकते थे। इसलिए क्रूस की इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। क्रूस की घटना, प्यारे भाइयों और बहनों, एक नए परिवर्तन की शुरुआत थी। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि जब विषैले सांप लोगों को काटने लगे तो लोग मूसा के पास दौड़कर आते हैं और मूसा ईश्वर से निवेदन करता है। तो प्रभु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा से कहा कि कांसे का एक सांप बनाकर उसे डंडे के ऊपर खड़ा करो, जो भी उस क्रूस की ओर देखेगा वह बच जाएगा। क्रूस को, प्रियजनों, श्राप का चिन्ह माना जाता था। क्रूस को अपराधियों के लिए रखा गया था। जो व्यक्ति घिनौने अपराध करता था उसे क्रूस के ऊपर लटकाकर मार दिया जाता था। इसलिए लोग उस क्रूस से भागते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने उसी क्रूस को मुक्ति का चिन्ह बना दिया। प्रभु यीशु ने उसी क्रूस को आशीर्वाद का चिन्ह बना दिया। प्रभु यीशु ने उसी क्रूस के द्वारा हमारा पिता से मेल कराया। पिता की योजना थी कि ईसा प्रायश्चित करे, अपना रक्त बहाए और सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे। यीशु कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास में परिपूर्ण रहे। उन्होंने विश्वास को प्राथमिकता दी। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्रूस की अंतिम सांस तक वह आज्ञाकारी बने रहे। हालांकि गेतसेमनी बाग में प्राण पीड़ा सहते समय उन्होंने 3 बार पिता से निवेदन किया, यदि संभव हो तो यह दुख का प्याला, हे पिता, मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्रूस पर जब वो लटक रहे थे, जल्लाद उन्हें मार रहे थे, खट्टी अंगूरी में पंसोक्ता डुबाकर उनके मुख पर लगा रहे थे, तब भी वो उन्हें क्षमा करता जाता था। गाली के बदले में उन्होंने गाली नहीं दी। जब उनके गाल के ऊपर थप्पड़ मारा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह चुप रहे। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वो जल्लादों के आगे आगे चला जाता था। कलवरी की उस कठिन यात्रा को, प्यारे भाइयों और बहनों, गिरता उठता संभलता, लोग उसे मारते, गालियां सुनाते, और कुछ तो उनमें से तमाशा देख रहे थे। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि क्रूस के भारी बोझ के नीचे दबा हुआ यह मनुष्य वास्तव में कौन है। वास्तव में वो तो राजा था, स्वर्ग का राजा, यीशु मसीह, जिसने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को उसने चंगा किया। लेकिन जनता, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे पहचान न सकी। कोई भी उसके ऊपर ईमान न ला सका। इसलिए प्रियजनों, मैं और आप आज इस दिन में प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करें।
उनके इन हाथों में बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गईं, उनके पैरों में बड़े बड़े कील ठोक दिए गए। ये वो हाथ थे जिनके द्वारा वो आशीर्वाद देता था, ये वो हाथ था जिसके द्वारा वो छूता तो रोगी चंगे हो जाते थे, ये वो हाथ थे जिनमें कीलें ठोकी गईं और इन हाथों के द्वारा उसने अंधों को आँखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को उसने जिलाया। जब उन्होंने नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को स्पर्श किया तो उसे जीवन मिल गया। बदले में उसे क्या दिया गया? बदले में उसे, प्यारे भाइयों और बहनों, भारी क्रूस उसके कंधों पर लादा गया। बदले में उन्होंने उनको गालियां दी, थप्पड़ मारा, घूंसे मारे, उन्हें लताड़ा, वो उनके कपड़े खींचते और खून से लथपथ उनका शरीर। प्यारे भाइयों और बहनों, जब कपड़े वो खींचते थे तो उनके घाव खुल जाते थे और खून की धारा बहने लगती थी। पुण्य शुक्रवार कलवरी की यात्रा क्रूस, कोड़े, कील, क्षमा, प्यार, बलिदान, त्याग, सेवा, प्रेम और सहनशीलता तथा पुनरुत्थान तक पहुंचने का रास्ता है। बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर नहीं है, बिना दुख के मैं और आप महिमा का अनुभव नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती, जब यीशु गेतसेमनी बाग में प्राण पीड़ा सह रहे थे, उन्होंने औंधे मुंह होकर प्रार्थना की। वो सारी रात प्रार्थना में रहे, उन्होंने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की, पिता से निवेदन किया, यदि संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, ये दुख की घड़ी मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत आकर उन्हें ढारस बंधा रहा था। मैं समझता हूं कि उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा होगा, यीशु डर मत, यीशु डर मत, तुझे कुछ समय के लिए ये यात्रा करनी है, तुझे अपने कंधों पर यह भारी क्रूस उठाकर चलना होगा, जिससे कि मानव जाति का मेल तू पिता से फिर से करा सके। लेकिन याद रख कि तू पिता की महिमा में स्थान पाएगा। तेरी निगाह इन बातों पर नहीं, इस क्रूस के ऊपर नहीं, परंतु पिता के दाहिने रखे हुए उस सिंहासन पर लगी रहनी चाहिए जो पिता तुझे देना चाहता है। इसलिए प्रियजनों, यीशु अपने आप को तैयार करता रहा उस दुख को सहन करने के लिए, उस भारी क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर चलने के लिए वो अपने आप को तैयार करता है, वो आत्मा से बल प्राप्त करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और उस क्रूस को उठाकर वो चलना शुरू करता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है, माँ अपने जवान बेटे को देखकर, प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ भी बोल न सकी। उसकी कितनी इच्छा रही होगी कि वो अपने बेटे को कुछ मदद दे सके, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थी। बाइबल में बताती, यीशु अत्यंत कमजोर हो चला था। रास्ते में क्रीन निवासी सिमोन वहां से गुजर रहा था, वो दूर भागना चाहता था, वो यीशु के क्रूस के नजदीक नहीं आना चाहता था। सैनिकों ने बलपूर्वक उसे पकड़ा और यीशु का क्रूस उसके कंधों के ऊपर लाद दिया, ताकि कुछ दूर के लिए यीशु को थोड़ा सा सहारा मिल जाए। पहले तो बाइबल कहती शिमोन क्रूस ढोना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही वो क्रूस शिमोन के कंधों पर रखा गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ये क्रूस, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी जिंदगियों में ईश्वर के आशीर्वाद को जोड़ता है, उसकी बरकतों को जोड़ता है। ये स्पष्ट उदाहरण है, बाइबल हमें बताती है कि जब सिमोन ने क्रूस अपने कंधों पर रखा तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जिस क्रूस को वो उठाना नहीं चाहता था, अब वो उसे बड़े प्यार से उठाकर ले चला। उसने कुछ दूर तक यीशु की सहायता की, लेकिन बाद में सैनिकों ने उस क्रूस को फिर से यीशु के कंधों पर लाद दिया। मेरा और आपका क्या मनोभाव है? क्या मैं और आप यीशु की इस तरह से सेवा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? करके देखिए, आपका भी हृदय सिमोन के जैसे बदलेगा। प्रियजनों, जिस जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह में विश्वास किया, उनका जीवन बदल गया।
जिस जिस व्यक्ति ने यीशु पर ईमान लाया उनके परिवार बदल गए, जिन्होंने यीशु को अपने घर में प्रथम स्थान दिया उनके घरों में उद्धार आया, शांति आई, क्योंकि प्रभु यीशु ने मेरे और आपके खातिर अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। पेत्रुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए मरे, केवल पापियों के लिए नहीं, केवल अधर्मियों के लिए नहीं, परंतु वो धर्मियों के लिए और सभी लोगों के लिए उन्होंने अपने प्राण निछावर किए। क्रूस की घटना ने सब कुछ बदल दिया था। क्रूस, मैंने कहा, परिवर्तन की शुरुआत थी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था ईश्वर की आज्ञा का पालन। जिसने पिता को प्रसन्न किया वो आज्ञाकारी बना रहा। क्रूस के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक बाइबल कहती है यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी बना रहा, क्योंकि आज्ञा पालन हमें बचाता है। ओबीडियंस प्रोटेक्ट्स, ओबीडियंस प्रोटेक्ट्स। और दूसरी विशेष बात यह थी कि ईसा ने अपने शत्रुओं को उस सलीब से क्षमा किया। शायद और कोई व्यक्ति होता तो ऐसा करने में असमर्थ रहता। तो प्रभु का दुख भोग, क्रूस मरण सभी क्रिश्चियों को प्यार की कीमत चुकाने एवं कष्ट सहने की प्रेरणा देता है। यह आज का संदेश है। पुण्य शुक्रवार का जो संदेश है वो ये है कि प्रभु यीशु का दुख भोग, क्रूस मरण सभी क्रिश्चियों और विश्वासियों को प्यार की कीमत चुकाने, दुख एवं कष्ट सहने की प्रेरणा देता है। ईश्वर की कृपा से पूर्ण होकर संसार की ज्योति एवं पृथ्वी का नमक बनने की वह हमें कृपा प्रदान करता है। जैसा कि यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 में कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना नमकीन स्वभाव त्याग दे, छोड़ दे, तो किससे वह नमकीन किया जाएगा, किससे वो छौंका जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर उस स्वाद को बनाए रखा, पिता के प्रेम को बनाए रखा। विषम परिस्थितियों में भी वो बड़े साहस के साथ ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे और तनिक भी उन्होंने कोड़ों की परवाह नहीं की। उनके शरीर पर जो 40 कोड़े खाए गए वो केवल 40 कोड़े नहीं, एक एक कोड़ा जो बरसता था उसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों असंख्य घाव यीशु के शरीर पर उमड़ पड़ते थे। उन कोड़ों के द्वारा उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई। आप में से जिन्होंने कोड़ा देखा है तो वो साधारण कोड़ा देखा होगा। कोड़े की अंतिम छोर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाशें जो हैं उस पर सजाई जाती हैं। चमड़े की एक एक लाश के साथ सात सात मोहरें प्यारे भाइयों और बहनों लगाई गई थीं। और इस प्रकार से जब वो मोहरें उस शरीर पर पड़ती थी तो असंख्य घाव उनके शरीर पर उमड़ आते थे। मेरे और आपके असंख्य पापों का ये एक चिन्ह उनके शरीर पर उमड़ पड़ता था। और उस कोड़े के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको निजात दिलाई, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53, वो हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे कष्टों दुखों से लदा हुआ था। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के वो सदृश था। उसने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी, दाढ़ी नोचने वालों के सामने उसने अपने गाल कर दिए, गाली के बदले उसने गाली नहीं दी। ये प्रभु का प्रेम था, ये उसके प्रेम का प्रमाण था। आज इसकी याद हम दुख भोग के दिन में करते हैं। मेरा और आपका मनोभाव क्या है? क्या मैं अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को क्षमा कर पाता हूँ? क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करने में समर्थ हूँ? क्या मैं अपने माता पिता या भाई बहन को क्षमा कर पाता हूँ? क्या मैं अपने अधिकारियों को क्षमा कर पाता हूँ? क्या मेरे अधीनस्थ जो लोग कार्य करते हैं, यदि उनसे कोई गलती होती है तो क्या मैं उन्हें क्षमा कर पाता हूँ? माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गुड फ्राइडे इज अ डे ऑफ फॉरगिवनेस। गुड फ्राइडे इज अ डे ऑफ फॉरगिवनेस। इट इज द रोड टू ईस्टर संडे।
अगर हमारी जिंदगी में गुड फ्राइडे नहीं तो ये रास्ता तैयार नहीं होता कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के भागी बन सकें। इसलिए आज का ये पवित्र दिन मुझे और आपको याद दिलाता है कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए कष्ट सहा, यीशु मसीह ने क्रूस से अपने शत्रुओं को क्षमा किया। इसलिए मुझे और आपको भी क्षमा करना चाहिए, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु के दुख भोग, क्रूस स्मरण और उनके पुनरुत्थान की याद करते हैं तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस दिन अज्ञानता पर ज्ञान की विजय हुई, इस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई, इस दिन अन्याय पर न्याय की विजय हुई, इस दिन अंधकार पर ज्योति की, ईर्ष्या पर प्रेम की एवं क्षमा की विजय यात्रा है, मृत्यु पर जीवन की विजय यात्रा है। तो प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण ईसा ने आज के इस पवित्र दिन में क्रूस पर अपने हाथों को फैलाते हुए दिया। ईश्वर ने संसार को बाइबल के दी इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को उन्होंने कुर्बान कर दिया। वो उसकी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। तो आज इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु यीशु के उन दुख भोग की याद करते हैं प्रियजनों, तो हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि दुख देने वाले अत्याचारियों को यीशु क्षमा करना आज हमें सिखाता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु के नाम पर हमको सताया जाता है, हम पर अत्याचार किए जाते हैं, हमें दुख दिया जाता है, तो उस वक्त अपने को धन्य समझना क्योंकि यीशु के कारण आप सताए गए हैं, आपके ऊपर अत्याचार किया गया है। प्रियजनों बाइबल ये कहती है, प्रभु यीशु ने कहा उनसे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को मार सकता है। उनसे मत डरो जो केवल शरीर को मार सकते लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते हैं। प्रियजनों यीशु मसीह ने अपार दुख बाइबल में बताती है सहन किया, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए, सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए, जिससे कि पिता के साथ टूटा हुआ हमारा संबंध फिर से जुड़ जाए। इसलिए मैंने कहा कि गुड फ्राइडे प्यारे भाइयों और बहनों एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां पर प्रभु यीशु अपने प्राणों को निछावर करके मुझे और आपको फिर से ईश्वर के साथ मिलाता है, हमारे रिश्ते को जो टूट चुका था उसे फिर से वो बनाता है, हमें सेवा करना, क्षमा करना, त्याग करना, प्रेम करना, समर्पण करना वो हमें सिखाता है। अब आप पूछेंगे कि आखिर यीशु मसीह को मारा क्यों गया, पकड़वाया क्यों गया, उन्हें क्रूस क्यों दिया गया, आखिर क्रूस की यात्रा उन्हें क्यों सहनी पड़ी। बाइबल इसके विषय में बताती है कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाए और मेरे और आपके और सारी मानव जाति के पापों के लिए प्रायश्चित करे, पहली बात। दूसरी बात, क्रूस का चिन्ह जो श्राप का चिन्ह माना जाता था उसे प्रभु यीशु आशीर्वाद के चिन्ह में बदल दे, और ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु उस क्रूस पर लटक गए तो वह क्रूस का चिन्ह आशीर्वाद का चिन्ह बन गया। यदि उस चिन्ह को आप ध्यान से देखें तो गणितज्ञ की भाषा में यह क्रूस का चिन्ह धन के चिन्ह जैसा लगता है, जिसका काम है जोड़ना। तो क्रूस हमारी जिंदगियों में जोड़ता है, घटाता कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह ने उस क्रूस को अपने कंधों पर धारण किया और उसके द्वारा उन्होंने पिता के साथ हमारे उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा। यीशु को ईर्ष्या के कारण बाइबल कहती है पकड़वाया गया था, और इसमें धन का मोह सबसे बड़ी बात थी। प्यारे भाइयों और बहनों, यूदास इस्कारियोती बाइबल हमें बताती है एडमिनिस्ट्रेटर था, जो खजांची का काम किया करता था, उसके मन में पैसे के प्रति लोभ लालच था।
इसलिए उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह अपने गुरु को बेच दिया। मानव पुत्र यीशु मसीह के जीवन की जो कीमत थी उन्होंने चांदी के 30 सिक्के निर्धारित की। यूदास इस्कारियोती ने ये इतना बड़ा घिनौना काम किया कि उसने पैसे के धन के लालच में प्रियजनों अपने गुरु को बेच दिया। बाइबल हमें बताती है कि धन बुराई की जड़ है। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ईविल। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ईविल। धन का मोह प्यारे भाइयों और बहनों बुराई की मूल जड़ है। धन का मोह बुराई की मूल जड़ है और इसी धन के मोह ने यूदास इस्कारियोती को यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए मजबूर कर दिया। वो धन की सेवा करता रहा, अपने गुरु को भूल गया। उसने धन के मोह के कारण यीशु को छोड़ दिया, भाइयों से अलग हो गया। आज के समाज की परिस्थिति पर यदि हम नजर डालें तो कई बार ऐसा ही होता है कि परिवारों में प्रियजनों एक भाई धन के मोह के कारण अपने पूरे परिवार को छोड़कर चला जाता है, अलग हो जाता है, परवाह नहीं करता है अपने दूसरे भाई बहनों की, माता पिता की। और एक दिन ऐसा आता है कि उसे अत्यंत दुख अपनी जिंदगी में सहना पड़ता है, तब वो याद करता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। क्योंकि बाइबल कहती है लोग अपना अपना रास्ता पकड़कर भटक जाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 6 कि अपना अपना रास्ता पकड़कर वे लोग भटक गए, वे भटकी हुई भेड़ों के सदृश थे। तो यीशु नाम का मतलब है कि ईश्वर बचाता है, इसलिए उसने यीशु को भेजा कि वह मुझे और आपको बचाए। इसलिए प्रभु ये कहता है कि उसे भाइयों का एक साथ रहना पसंद है। मैं समझता हूं कि यूदास अगर अपने दूसरे चेलों के साथ या भाइयों के साथ रहता तो शायद वो ये घिनौना काम नहीं करता, क्योंकि वो भाइयों की सभा से अलग रहता था। इसलिए शैतान ने उसको प्रलोभन दिया, शैतान ने उसकी इस वीकनेस का, उसकी इस दुर्बलता का फायदा उठाया और वह उसके अंदर घुस गया। बाइबल कहती है उसने यीशु को महायाजकों के हवाले कर दिया। यीशु का सौदा उसने चांदी के 30 सिक्कों में किया। और अंत में जब पता लगता है कि वे लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने उसके कंधों पर क्रूस लाद दिया, तो दौड़ता हुआ जाता है, चांदी के 30 सिक्के उस मंदिर में फेंक देता है, उनसे जाके कहता है कि ये ले लो अपने सिक्के, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब तो सब कुछ बीत चुका था, वो कुछ नहीं कर पाया, उसका अपराध बोध उसे खाने लगा। और बाइबल कहती है वो गया और पेड़ पर फांसी लगा ली उसने और अपने प्राण त्याग दिए। प्रियजनों कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। जब हमारी जिंदगी में कष्ट आता है, परेशानी आती है, चिंता आती है, परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, हमारे रिश्ते जब टूट जाते हैं, पति पत्नी में जब दरार पड़ जाती है, भाइयों भाइयों में जब दुश्मनी हो जाती है, उस वक्त प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करना, उन समस्याओं का बड़े धैर्य के साथ सामना करना, उठ के क्षमा करने के लिए और क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना। यीशु मसीह की जिंदगी में इतना कष्ट था, दुख था, परेशानी थी, चिंता थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उनका भरोसा ईश्वर पर था कि वह ईश्वर उन्हें बचाएगा। उन्होंने दुखों का स्वरूप बदल दिया, उन भयंकर कष्टों और दुखों को उन्होंने बड़े आनंद के साथ सहन किया। उन्होंने उन दुखों में आनंद की अनुभूति की, हालांकि उनका दुख अपार था, लेकिन वो जानते थे कि पिता उसकी सहायता कर रहा है। स्वर्गदूत उन्हें ढारस बंधा रहे थे, पिता उन्हें महिमान्वित करने जा रहा है। इसमें पिता की कोई बहुत बड़ी रजा है जो कि वो चाहता है
कि पुत्र प्रायश्चित करे और मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राणों को निछावर करे। प्रियजनों, यीशु का लहू जीवनदायक लहू है। वो लहू उसने मेरे और आपके पापों के लिए बहाया। यीशु का लहू शांति स्थापित करता है। यीशु का लहू जो उन्होंने क्रूस की यात्रा के दौरान और कलवरी पर क्रूस के ऊपर बहाया, वो लहू हमें पिता से मेल कराता है। हमारी अशुद्धता को वो धो डालता है। बाइबल हमें बताती, यहूदियों की प्रथा के अनुसार सब कुछ रक्त के द्वारा शुद्ध किया जाता था। बिना रक्त के पाप क्षमा नहीं मिलती थी। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि ईसा उस रक्त को बहाए और हमारे पापों का प्रायश्चित करे, और उसने ऐसा ही किया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बाइबल ये कहती है कि आपका उद्धार सोने चांदी जैसी चीजों से नहीं, परंतु मसीह के रक्त से हुआ है। आपका और मेरा उद्धार सोने चांदी की जैसी वस्तुओं से नहीं, परंतु मसीह के रक्त से हुआ है। इसलिए मसीह का वो रक्त मेरे और आपके लिए, प्यारे भाइयों और बहनों, वो रक्त है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। इसलिए हर क्षण उस लहू के द्वारा संरक्षण लेना, अपने घर को उस लहू के द्वारा संरक्षित करना, अपने सिर से लेकर पांव की तलियों तक उसे विलेपन करना, और वो रक्त आपको बचाएगा, वो रक्त आपको शुद्ध करेगा, सारी अपवित्रता से आपको वो धो डालेगा। यही बाइबल हमें सिखाती है। हम इन वचनों को ग्रहण करें, प्रभु यीशु के उन महान दुखों और कष्टों को याद करें। उसके दुख के सामने हमारे दुख नगण्य हैं, बहुत छोटे हैं। उसके दुख इतने बड़े थे कि हम उसके विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। हमें जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो हमारी आह निकल जाती है, लेकिन यीशु के शरीर के ऊपर तो बड़े बड़े कोड़े बरसाए जा रहे थे। मारा जा रहा था, लात घूसों के द्वारा बर्छी से उसे छेदा जा रहा था, बड़ी बड़ी कीलों से उसके हाथों और पैरों को छेदा जा रहा था, लेकिन वो सब कुछ सह गया मेरे और आपके खातिर, मेरे और आपके प्यार के लिए, पापों की क्षमा के लिए। उसने जो हमसे प्यार किया, उसके कारण वो इन सभी दुखों को सह गया, वो इन सभी दुखों को सह गया। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें पिता ईश्वर को, धन्यवाद दें प्रभु यीशु को उसके बलिदान के लिए, धन्यवाद दें पवित्र आत्मा को उसकी प्रेरणा के लिए कि प्रभु तू हमें हर बुराई से बचाता है। प्रतिज्ञा करें, वादा करें प्रभु से कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने दुखों में आपको सदा याद करूँगा। आप मेरे दुखों को हल्का करें, मेरे परिवार को आशीष प्रदान करें। आपके पवित्र घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए अपार दुख सहन किया है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके दुखों को हल्का करे और आपको हौसला दे, ताकि आप अपनी जिंदगी में विषम परिस्थितियों में और दुख और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, आज्ञाकारी बना रहें। दुख में महिमा छाई है, बस इसे याद रखें। प्रभु यीशु ने दुख, जो एक रहस्य है, उसको प्यारे भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी में सहन किया, और उसके द्वारा ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया। आमीन।